गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? क्या आपने मुझे मिस किया? सोचा कि थोड़ा रेस्ट लेती हूँ व्लॉगिंग से, तो आज सुबह सुबह स्टार्ट किया है। मैं उठी थी 5 o'clock और मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। अभी अभी पेड़ों को पानी डाल के आई हूँ, तो सोचा ब्रेकफास्ट करने से पहले आपसे मिलूँ करके। और अभी देखो, अभी तक ना सूरज भी ठीक से नहीं निकला है। आज संडे है ना, देखते हैं क्या होता है। पर महादेव को ना क्लास है, बच्चों की SSC एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है ना, इस वजह से महादेव आज क्लास ले रहा है, तो क्लास के लिए जाएगा, फिर मैं घर पे रहूँगी। तो आज तो देखते हैं, कल भी हॉलीडे थी ना, तो आज आधा काम मैंने कल कर लिया था, तो आधा आज करूँगी। उससे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ये देखो मुझे सुबह सुबह क्या मिला। मुझे ना अमरूद बहुत पसंद है, तो मैं सुबह सुबह निकालने के लिए गई झाड़ के, मतलब वो नीचे ही था तो मैंने निकाला। और कल भी एक मैंने खाया था और मुझे आज भी एक मिला। क्या टेस्ट लगता है यार, तो मैं भी इसे एंजॉय करती हूँ। कभी ना एक बहुत बड़ा वाला ना प्रॉन दिखाती हूँ ना, चाहेंगे इतना बड़ा वाला प्रॉन। 1 2 3 प्रॉन देखो कितना बड़ा है। और इसको देखो किसके ऊपर सही है, माध्यम का बैग है, स्कूल बैग, उसके ऊपर सही है। देखो उठ उठ उठ, मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि आज थोड़ा रीडिंग करते हैं। कितने दिन हो गए मैंने एक कोई भी बुक रीड नहीं की थी, तो इसकी वजह से सोचा कि आज रीडिंग करती हूँ। और थोड़ा घर का भी काम था वो किया, उसके बाद थोड़ा रीडिंग करने लगी। तो मैं रीड करती ये वाला बुक, हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ प्रेयर्स। मैंने एक बुक कब से लाई हुई थी घर पर, तो आधी पढ़ी थी, आधी मैंने अभी पढ़ी है। और एक बुक है इसी ऑथर की, डॉक्टर जोसेफ की, वो भी मैंने आधी पढ़ी है। तो लास्ट हॉलीडे था ना लॉकडाउन का, उस टाइम मैंने लाई थी, तो अभी ये आधा पढ़ा। अभी टाइम हो रखा है राइस बनाने का, तब तक जब तक मैं राइस बना के ख़त्म हो रहा तब तक महादेव भी आ जाएगा। आई होप वो जल्दी ख़त्म करे अपनी क्लास। चुका एग्ज़ाम ना 7 अप्रैल को है, इस वजह से वो उनको लेके बैठा है। कल फिर होगा शायद 4 तारीख को, और 5 तारीख को भी क्लास रखेगा। तो अभी मैं ना इस पकाने के लिए रखती हूँ। तो अभी ना टाइम हो रहा है 10:30, और कुछ शूट नहीं किया। मॉर्निंग मैंने रीडिंग किया और उसके बाद मैंने आफ्टरनून, हम लोगों ने खाना खाने के बाद ना महादेव थोड़ी देर के लिए सो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। और 9 बजे से उसने 2 o'clock तक क्लास लिया बच्चों के लिए, तो उतने आवर्स में वो थक गया था इसलिए वो सो गया। और उस समय मैंने कुछ घर का काम किया। उसके बाद हम लोग, मैंने महादेव के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं। तो कल से सोचा है कुछ करने का, देखते हैं अगर आइडिया हुआ कोई आपसे शेयर करूँगी। पहले मैं स्टार्ट करके देखती हूँ कैसा होता है। ये मंथ बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड होने वाली है, इमोशनल भी होने वाला है। पता नहीं जैसे जैसे ये मंथ ख़त्म हो जाएगा ना, वैसे वैसे मेरा मतलब मैं मेरा एक इमोशनल फेज आएगा। कल भी मुझे एक प्रोग्राम है, तो कल के प्रोग्राम के बारे में आपको कल बताऊंगी कैसा है और कहाँ पे है प्रोग्राम और मैं वहाँ पे क्या करने वाली हूँ। आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ कि कल मैं मेरा सबसे फेवरेट काम करने वाली हूँ,
की प्रिपरेशन भी मैंने सारी कर ली है। मुझे पता है आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा था। और आई होप आप एक दिन के बाद आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए एक्साइटिंग एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर देना।